नासो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच खेला गया, जिसका लाखों फैंस को बेसब्री से इंतजार था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो और रोमांच ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर बार की तरह इस बार भी मुकाबला बहुत ही कांटे का रहा, जहां हर किसी ने उम्मीद ही खो दी थी कि इंडिया उस मैच में वापसी कर पाएगी, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपनी जबरदस्त पेल से कमाल ही कर दिया। उन्होंने 3 विकेट्स लेकर मैच का रुख ही पलट दिया, जहां उन्होंने इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ 6 रनों की ऐतिहासिक जीत दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के हाई वोल्टेज थ्रिलिंग मैच के बाद पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर वसीम अकरम जमकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बरसे, जहां वसीम अकरम ने एक तरफ बाबर आजम पर खूब तंज कसे और इतना ही नहीं, ये तक कह डाला कि मोहम्मद रिजवान को कोई समझ नहीं है कि कौन से सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जहां उन्होंने एक शो में बातचीत करते हुए भी कहा कि ये सब प्लेयर्स 10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं सिखा सकता। पाकिस्तानी टीम में कई खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो एक दूसरे से बातचीत तक नहीं करते, ऐसे प्लेयर्स को निकाल कर घर बैठा देना चाहिए। आप सभी लोग वसीम अकरम की बात से कितने सहमत हैं और इंडिया पाकिस्तान मैच आप सभी लोगों को कैसा लगा, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।